सावधान हो जाओ, सभी वर्ल्ड कप की टीमें। भारत में नंबर 4 के लिए शामिल हुआ है युवराज सिंह। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय यहां पर दोस्तों 5 मैचों की T20 सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रही है। ये T20 सीरीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरुआती जो 2 टेस्ट मुकाबले खेले गए थे उसमें टीम इंडिया को 1-0 से जीत मिली थी। उसके बाद वनडे सीरीज हुई, वहां पर टीम इंडिया को यहां पर दोस्तों 2-1 से जीत मिली। लेकिन T20 सीरीज की शुरुआत बिल्कुल अलग थी टीम इंडिया के लिए। यहां पर दोस्तों T20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले भारतीय टीम हार गई, पर भारतीय टीम की अल्टीमेट निगाहें वर्ल्ड कप पर ही चुकी हुई हैं। और दोस्तों 2011 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, पिछली बार जब जीता था उसके बाद से लगभग 12 से 13 साल हो गए, लेकिन टीम इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। और 2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें सबसे बड़ा नंबर 1 पर नाम हाथ था, वो था युवराज सिंह का। नंबर 4 पर खेलते हुए युवराज सिंह ने जो किया था शायद ही वो कोई कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया के ऐसी माहौल में आ चुकी है जहां पर टीम इंडिया को अगला युवराज सिंह मिल चुका है। दरअसल दोस्तों जिस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं उस खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज टूर पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने काफी अच्छा खेल दिखाया है और यहां पर दोस्तों वर्ल्ड कप में एक बार फिर से तिलक वर्मा को मौका देना चाहिए एज अ युवराज सिंह। धोनी ने जिस तरीके से यूवी को यूज किया था वैसे ही रोहित को तिलक वर्मा को यूज करना चाहिए। वैसे आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।